मैं ना आपको करेले गोश्त बनाना बता रही हूँ। करेले को आप ना ऐसे छील के ना हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं इसको छीलना, ये देखें। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि इसको ज़्यादा नहीं छीलना, ये देखें हल्का सा बस। इसको हमने पील किया ऊपर से, ये देखें हमने इसको पील कर लिया। पील करने के बाद हम ना इसका ये देखें ऐसे कट लगा के तो इसके सीड निकाल लेंगे। ये देखें ऐसे आप ना इसके सीड निकाल लें, ये ऐसे इसके सीड निकाल के आप इसको ना इतने पीसेस में इसको काटना है आपने। ये देखें इतने पीसेस में, ये देखें ये इतने इसके मोटे हों, ना ज़्यादा बारीक हों ना मोटे हों, ये देखें इस साइज़ में आपने इसको काट के। मैं आपको बताती हूँ, आपने नमक और हल्दी, ये आधा टीस्पून आपने हल्दी का और एक टीस्पून आपने करेलों को, ये देखें ऐसे, ये फुल टेबल स्पून भर के आपने नमक का और आधा टीस्पून इसमें हल्दी का डाल के आपने ऐसे इसको मिक्स करके ना धूप में रख दे एक घंटे के लिए। अगर नहीं धूप है तो आप इसको ऐसे ही एक घंटे के लिए पड़ा रहने दे। फिर मैं आपको इसको वॉश करके फ्राई करके बताती हूँ अगला इसका स्टेप। लोगों ना हमने नमक और हल्दी लगा के एक घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको लेके आई हूँ, हमने इसको ना इस तरह से मलना है थोड़ी देर, तकरीबन 5-10 मिनट, ना 5 मिनट तो इसको ऐसे मलना है। जब हम इसको इस तरह से मलते हैं ना, इसकी करवाहट जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये लगेगा ही नहीं कि आपने करेले पकाए। क्योंकि अगर ये कड़वे होते हैं बच्चे भी नहीं खाते, तो इस तरह से ये देखें आप इसको ना सिर्फ 2-3-4 मिनट इस तरह से इसको मलते हैं अच्छी तरह से। इसको फिर वॉश करके तो हम इसको रख लेंगे, ये फिर इसकी कड़वाहट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस तरह नमक और हल्दी डालने से। और इस तरह थोड़ी देर बाद इसको 2-3 मिनट मलेंगे। देखिए इसको हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह करेलों को धो के ना, तो अब हम इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर आप इसको गोश्त में डालें, दाल में डालें, किसी भी तरह इसको प्याज के साथ पकाएं, फिर ये तैयार है। ये देखिए मैं ना आपको ये करेले जो है फ्राई हो रहे हैं, इस तरह से आप ये करेले चिप्स बना के भी खा सकते हैं जो शुगर के पेशेंट है, और करेले दाल भी आप पका सकते हैं इस तरह से। जब ये फ्राई हो जाएं तो करेले गोश्त पका सकते हैं, करेले प्याज पका सकते हैं, इसको अचार में आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसकी बहुत सी रेसिपी बना सकते हैं ये करेलों को इस तरह से फ्राई करने के बाद। ये मैं आपको बहुत सारी रेसिपी बताऊंगी भी, और ये बनने के बाद ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे हो जाते हैं फ्राई होने के बाद। ये देखें ये करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। आप इसको ना फ्रीज करके भी रख सकते हैं 6 महीने के लिए, ये ख़राब नहीं हो गए फ्रीज़र में। आप इसके मैंने आपको बताया है कि आप इसकी चिप्स भी खा सकते हैं, इसको अचार में डाल सकते हैं, आप इसके करेले दाल बना सकते हैं, करेले गोश्त बना सकते हैं, करेले प्याज बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आज मैं ना आपको करेले गोश्त बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसमें हमने 1/2 kg ऑनियन लिया है और 1/2 kg मैंने मटन लिया है और 1 kg मैंने इसमें करेले लिए हैं। करेलों को मैंने धो के इसको काट के इसको मैंने फ्राई करके ये 1 kg करेले हैं। इसमें मैंने 3 अदरक टमाटर, 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का, 1 टीस्पून जो है वो ये कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का, 1 टीस्पून मैंने हल्दी का, 1 टीस्पून मैंने सूखे लेमन का, और मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक का डाला है। क्योंकि करेलों को हमने नमक लगाया था इसलिए हम इसमें ना गोश्त में नमक कम डालेंगे, बाद में हम डाल सकते हैं चेक करके। अगर हम पहले ही ज़्यादा डाल देंगे वो करेले भी जो जब डालेंगे तो वो नमक छोड़ेंगे, तो इस तरह वो सालन का नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए हम पहले जो है ना वो 1/2 टीस्पून सिर्फ मटन में ना नमक डालेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया और जीरे का डाला है, 3 अदद मैंने टमाटर लिए और 1/2 kg मैंने मटन लिया है। अभी मैं ना ये आपको करेले गोश्त बनाने का तरीका बताती हूँ। 5 टेबल स्पून भर के ऑयल का डाल लिया और ये ऑनियन डालने लगे।
साथ ही मैंने ना एक चुटकी जो है ना कलवंजी की डाल दूंगी इसमें। और मटन भी मैंने इसके साथ ही डाल दूंगी। एक टेबल स्पून ना लहसुन अदरक का इसमें और एक ही टेबल स्पून हरी मिर्च का हम इसमें डालेंगे। एक टेबल स्पून हरी मिर्च का अब हम साथ ही ना इसके ये मैंने इसको हलाया और इसमें टमाटर डालने लगे और बाकी मसाले जो हैं ये भी सारे इसमें डाल देने हैं। इसको अभी दम लगाने लगी हूँ। अगर आपका मटन जो आप पका रहे हैं वो नहीं गलता तो इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये जो मटन है ये गल जाएगा इसलिए मैं इसको ना 10 मिनट दम लगा दूंगी, ये मटन गल जाएगा। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये टमाटरों का पानी छूटेगा इसमें तो ये खुद ब खुद ही ये गल जाएगा। ये देखें गोश्त भुन गया। अब मैं इसमें ना ये ऑनियन आधा किलो मैंने ऑनियन लिए थे, कुछ मैंने पहले डाल लिए थे कुछ अब डाल रही हूँ, और साथ ही मैंने करेले डाल दूंगी इसमें। ये जो फ्राई किए हुए करेले हैं ना ये देखें ये डाल दें, ये डाल के तो अभी मैं ना इसको दम लगा दूंगी। जब गोश्त भुन जाए फिर इसको इसमें डाल के तो दम लगाना है आपने करेलों को। ये ऑनियन जो है ना हल्का सा पानी छोड़ेगा उसी में ये करेले जो है ना इनको दम आ जाएगा। बस हमने इसमें अभी पानी वगैरह कुछ ना इसमें हो, अगर पानी होगा इसमें तो ये करेले जो है ना ये कड़वाहट छोड़ेंगे। इसलिए गोश्त को अच्छी तरह से भून के अब ये देखें इसको हमने 5 से 6 मिनट इसको ना दम पे रख देना। ये तैयार है करेले गोश्त। इसमें ना आप ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दें, ये इसी तरह से साबुत ये अच्छी लगती है इसमें। ये हमारा ना करेले गोश्त जो है ना ये समझे तैयार हो गया, इसको मैं अभी थोड़ी देर दम पे रखने लगी। ये देखिए हमारा करेले गोश्त जो है ये बन के तैयार हो गया। अभी मैं ना आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा ना करेले गोश्त बन के तैयार हो गया, ये बहुत ही मज़े का बना है। ये देखिए इस तरह से प्याज और करेले जो है ना इनको दम लगा दें तो ये ऐसा बहुत ही मज़े का ये करेले गोश्त सालन तैयार हुआ है। मेरे तरीके से आप करेले बनाएं, ये ना तो कड़वे बनेंगे ना कसैले, बच्चे पूछेंगे मम्मा पकाया क्या है। तो आप इस तरह से करेले गोश्त बनाएं, दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल कुक विद मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में भी राय जरूर बताइएगा। अगली बार फिर आओगी एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।